एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शुमाली कस्बे ब्राउन एमिन में पैदा हुआ। उसका वालिद एलुई हिटलर एक टैक्स कलेक्टर था। मौजूदा तसव्वुर के बरक्स उसके आबा अजदाद यहूदी नहीं थे। 1908 में हिटलर वियना में आकर आबाद हो गया। विरसे में मिली खतीर दौलत लुटाने के बाद अगले ही बरस वो बेघर अफराद की पनाहगाह में एक क्लास शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। हिटलर मई 1913 तक वियना में ही रहा। 1913 में हिटलर ने मई में जर्मनी के शहर म्यूनिख में सकूनत अख्तियार कर ली। उसके अगले बरस हिटलर पहली आलमी जंग में लड़ने की खातिर जर्मन फौज में भर्ती हो गया। 1918 में हिटलर बेल्जियम में पेरिस के नज़दीक मस्टर्ड गैस के एक हमले में जुज़वी तौर पर बिनाई से महरूम हो गया। एक फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के दौरान आर्दी जंग बंदी की खबर हिटलर तक पहुंची। पहली आलमी जंग के हिटलर और जर्मनों पर गहरे असरात मरतब हुए। तनाज़े और तकसीम पर मबनी असरात आने वाली कई दहाइयों तक बरकरार रहे, जिनके नतीजे में दूसरी आलमी जंग और इसकी आड़ में किए जाने वाले कत्ल आम के हालात पैदा हुए। 12 सितंबर 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी DAB के इब्तदाई इजलास में शिरकत करता है। ये वही पार्टी थी जो बाद में हिटलर की क्यादत में नाजी पार्टी की शक्ल अख्तियार कर गई। 8 से 9 नवंबर 1923 एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की सरकर्दगी में एक इतिहादी ग्रुप बेवेरिया की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करता है और कौमी इनकलाब का आगाज़ करता है। ये नाम नहाद बेयरपाल पश नाकाम हो जाता है। हिटलर और दीगर अफराद को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1923 से 1925 हिटलर को गद्दारी के जुर्म में 5 साल की सज़ा हो जाती है। अलबत्त वो सिर्फ 1 साल कैद में गुजारता है। कैद के दौरान वो अपनी किताब माइन कैम्पफ यानी मेरी जद्दोजहद लिखता है। यह मशहूर किताब नाजी आज़म के अहम हिस्सों और इसके नस्ली नज़रियात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। इस किताब की 2 शातें 1925 और 1926 में हुई और हिटलर के इकतदार के पहले साल सन 1933 में इसकी 10 लाख कापियाँ फरोख्त हुईं। 1925 में हिटलर SS की तशकील करता है। नाजी इकतदार के दौरान SS ना सिर्फ पुलिस फोर्स और हरासी कैंप के निज़ाम का निगरान था बल्कि सिक्योरिटी रंग और नस्ल की शनाख्त आबादकारी आबादी से मुतलिक पॉलिसी और इंटेलिजेंस की निगरानी भी उसके ज़िम्मा थी। हिटलर जर्मनी की सदारत के मनसब के लिए बुजुर्ग उम्मीदवार जनरल पॉल वून हिंडनबर्ग से शिकस्त खा जाता है। नाजी पार्टी इकतदार में आ जाती है और एडोल्फ हिटलर चांसलर मुकरर हो जाता है। 23 मार्च 1933 में तकरीब पसंदों की तरफ से जर्मन पार्लियामेंट की इमारत रायस्टाग की आतिशबाजी के बाद जर्मन पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और रैश के कानून की तौसीह कर दी, जिसे उर्फ़ आम में इनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। यह कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को इख्तियार देता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट के मंजूर हासिल कर किए बगैर शुरू करके नाफिज कर सकता है। इस एक्ट के जरिए जर्मन में हकीकी तौर पर हिटलर की अमरीत कायम हो गई। 30 जून 2 जुलाई 1934 से हिटलर के हुक्म पर नाजी लीडर SA की क्यादत का खात्मा कर देते हैं और दीगर सियासी मुखालफीन को कत्ल कर देते हैं। इस इकदाम के जरिए नाजी हुकूमत और जर्मन फौज के दरमियान एक माहदा तय होता है, जिसके जरिए नाजी ताकत मुस्तहकम हो जाती है और हिटलर को जर्मनी का फ्यूहरर यानी रहनुमा करार दिया जाता है। यूँ हिटलर को मुकम्मल इख्तियारात और ताकत हासिल हो जाती है। 1936 हिटलर बर्लिन ओलंपिक्स 1936 के अफ्तताह करता है। यूँ जर्मन को दोनों यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का नादिर मौका मुयसर आता है। नाजी जर्मनी सन 1936 के ओलंपिक खेलों को प्रोपेगंडे के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। नाजी हुकूमत की तरफ से यहूदियों और रूमा अफराद के कत्लेआम और जर्मनी में बढ़ती हुई फौजी कुव्वत को छुपाते हुए एक नए मजबूत और मुतहद जर्मनी के तसव्वुर को फ़रोग देते हैं। हिटलर 29 और 30 सितंबर 1938 को जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया फ्रांस और इटली के रहनुमाओं से मुलाकात करता है, जिसमें ये ममालिक जर्मनी की तरफ से अमन की जमानत पर सूडी टन लैंड पर जर्मन कब्जे पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं। उसके 6 माह बाद हिटलर चीकोस्लाविया रियासत पर चढ़ाई कर देता है। 12 मार्च 1938 में जर्मन फौजें ऑस्ट्रिया की तरफ मार्च करती हैं। जर्मन फौजें
दोपहर के वक्त ऑस्ट्रिया जर्मन सरहद पर वाक हिटलर के आबाई शहर ब्रोनवान द इन पार कर लेती हैं। दूसरे रोज ऑस्ट्रिया की जर्मन सल्तनत में अदगाम का ऐलान कर दिया जाता है। 15 मार्च को हिटलर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में दाखिल होता है, जहाँ 10 लाख अफराद उसका इस्तकबाल करते हैं। जनवरी सन 1939 में जर्मन पार्लियामान में एक तकरीर के दौरान हिटलर कहता है कि एक और जंग यूरोप से यहूदियों का खात्मा कर देगी। 23 अगस्त 1939 में जर्मन और सोवियत वज़राए खारजा रिबनट्रॉप और मोलोटो जर्मन सोवियत माहदे पर दस्तखत करते हैं। इस माहदे की बुनियादी शिक 10 वर्ष तक अदम जारहीत का समझौता था, जिसके मुताबिक इस पर दस्तखत करने वाला हर मुल्क इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। 1 सितंबर 1939 में नाजी जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है और जून दूसरी आलमी जंग का आगाज हो जाता है। एडोल्फ हिटलर रहमदिलाना मौत के प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर दस्तखत करता है। इस प्रोग्राम के मुताबिक जर्मनी और इसके ज़ेर तसल्लुत मुल्कों में रहने वाले ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के मरीजों को मौत दे दी जाती है। यह वाहिद वाक़या है जिसमें हिटलर ने कत्लेआम के इजाज़त नामे पर दस्तखत किए। सन 1941 में एडोल्फ हिटलर हैंड्रिश हेमलर राइन बार्ड बैटरिच और दीगर कलीदी जर्मन हुकाम यूरोप के यहूदियों की नस्ल कशी का फैसला करते हैं। 22 जून 1941 में जर्मन फौज ऑपरेशन बार हेरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला करती है। यूरोप में अपनी फतूहत के बरक्स हिटलर और दीगर नाजी लीडर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग को नस्ली और नजरियाती सतह पर देखते हैं। 11 सितंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के नतीजे में नाजी जर्मनी और उसका हलीफ मुल्क इटली अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका ने जंग का ऐलान सिर्फ सल्तनत जापान के खिलाफ किया था, इसके एक साल के अंदर अमेरिका की ज़मीनी फौज के दस्ते शुमाली अफ्रीका में जर्मन फौजों के खिलाफ लड़े। 9 जून 1942 में हिटलर SS के सेकेंड इन कमांड राइन हार्ड बैटरिच की मौत के बाद चेक आबादी के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का हुक्म देता है। लेडिच और लेजा की कब्जे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाते हैं और इनके शहरियों का या तो कत्लेआम किया जाता है या फिर उन्हें जला वतन कर दिया जाता है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 1943 कई माह तक जारी रहने वाले शदीद लड़ाई और भारी जानी नुकसान के बाद दूसरी आलमी जंग एक नाजुक मोड़ में दाखिल हो जाती है और जर्मन फौज के बाकी मानदा 91,000 फौजी स्टालिन ग्राड के मकाम पर हथियार डाल देते हैं। जूं हिटलर का सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का ख्वाब रेजा रेजा हो जाता है। 6 जून 1944 में इतिहादी फौजें फ्रांस के नॉर्मंडी साहलों पर कामयाबी से उतर जाती हैं और जर्मनों में और हिटलर की हुकूमत के खिलाफ दूसरा महाज खोल देती हैं। 20 जुलाई 1944 हिटलर फौजी और सिविल एहलकारों की तरफ से कत्ल की कोशिश में बच जाता है। इस कोशिश की नाकामी और मतवक्के तौर पर हुकूमत की तख्ता उलटने के मंसूबे की वजह से 7,000 के लगभग अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर पेशकदमी करने वाले सोवियत फौजों की तरफ से गिरफ्तार होने के बजाय बर्लिन के एक बंकर में खुदकुशी कर लेता है। 1945 में बैन अलावी फौजी अदालत IMT फैसला करती है कि एडोल्फ हिटलर हाइनरिच हेमलर और जोसेफ कोडेबल्स पर इनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इन तीनों अशखास ने जंग ख़त्म होने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। बैन अलावी फौजी अदालत ने यह फैसला इसलिए किया कि मुकदमा चलाए जाने की सूरत में यह तासर पैदा हो सकता है कि यह तीनों अफराद अब भी जिंदा हैं।